बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफ़ज़ाल है और आज मैंने आपके साथ चनों से बनने वाले कोफ्तों की रेसिपी शेयर करनी है। ओरिजिनली इनका नाम फलाफल है। अगर आप कभी किसी अरब मुल्क में गए हों या अरब कुज़ीन के साथ इंटरेक्शन की आपके साथ इतफ़ाक़ हुआ हो तो फलाफल जो हैं बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली डिश है, बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट स्नैक आप इसे कह सकते हैं कि आप इफ्तारी के अंदर बनाएं और इसको एंजॉय करें। बनाना बहुत आसान है और मैं आपको कुछ इंटरनेशनल जो रेसिपीज़ हैं वो बताना चाह रहा था, क्योंकि मेरा इत्तेफाक हुआ है कि मैं अरब मुल्क किसी के अंदर रहा हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक्सप्लोर की हैं, तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। आप इन फलाफल से सैंडविचेस बना सकते हैं, रैप्स बना सकते हैं, बहुत सारी इनकी डिशेज़ हैं, या फिर इनको अलग से तहीनी सॉस के साथ खा सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें इस रेसिपी के लिए ज़रूरत है वो है चने। तो फलाफल क्योंकि चनों से बनाया जाता है, इसके लिए हमें बॉयल्ड चने नहीं चाहिए। चनों को आपने सिर्फ क्या करना है, अच्छी तरह धो के भिगो के रख देना है 12 से 14 घंटे के लिए। मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था। अब जो है ये ऑलमोस्ट अपने साइज़ से डबल हो चुके हैं। इसके अंदर आपने कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, मीठा सोडा या कोई ऐसी चीज़ नहीं, सिर्फ इनको भिगो के रखना है। सुबह जो है इनको अच्छी तरह वॉश करके रख लेना है। तो ये मेरे पास अच्छी तरह भिगोए हुए चने हैं जो बिल्कुल पानी पी चुके हैं और साइज़ में डबल हो चुके हैं। और फलाफल की रेसिपी बनाने के लिए हमें फ़ूड प्रोसेसर की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग फूड प्रोसेसर के बारे में पूछते हैं, तो ये एनएक्स का फूड प्रोसेसर है जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास चल रहा है। आप इसको ले सकते हैं, बहुत रिलायबल है। मॉडल मैं जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा। अब जो है इसको स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसके अंदर आधे चने, क्योंकि सारे इसके अंदर एक दफ़ा में नहीं आएंगे, तो आधे चने हम डाल लेंगे। ये मेरे पास चॉप की हुई एक बड़े साइज़ की प्याज है। आप छोटे साइज़ के अगर हों तो दो ले सकते हैं। चॉप करने की वजह यह है कि अगर हम साबुत डाल देंगे तो वो एक पेस्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। हमें थोड़े ग्रेनी टेक्सचर चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको चॉप कर लें ताकि इवनली सारे कट जाएँ। तो ये देखें जी, ये प्याज इसके अंदर आपने डाल देना। उसके बाद जो है इसके अंदर आपने कुछ 5 जवे के करीब जो है, ये 5 से 6 जवे लहसुन के हैं, ये इसके अंदर डाल देने हैं। तो अब जो है इस मिक्सचर को हमने ब्लेंड कर लेना है। इसके अंदर एक दो चीज़ें बाकी हैं जो हम अगले बैच के अंदर डाल लेंगे। तो इसको जो है ये देखें, ये प्याज वगैरह इधर जो मोटे जर रहे हैं वो लग जाते हैं, तो एक दफ़ा स्क्रैप करके इसको अच्छी तरह हम ब्लेंड कर देंगे। तो इसको जो है हम निकाल लेंगे इधर, ताकि हम बाकी के जो हैं उनको कर सकें। तो फलाफल का जो टेक्सचर होता है वो ग्रीन होता है बहुत ज़्यादा, जो अंदर से जब हम एक फलाफल को तोड़ते हैं तो अंदर जो है वो ग्रीन टेक्सचर उसका हमें मिलता है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी ग्रीन चीज़ें, जिसके अंदर धनिया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ग्रीन चिलीज इसलिए मैं डाल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो टेस्ट है वो थोड़ा सा हमें स्पाइसी टेस्ट चाहिए होता है। ओरिजिनली इसके अंदर ग्रीन चिलीज कम यूज़ की जाती हैं। मेरे पास ये 5 से 6 मिर्चें हैं, इनको आपने क्या करना है कि इसको सेंटर से काटें और इसके जो बीज हैं वो हमने निकाल देने हैं। बीज हमें अंदर नहीं चाहिए, तो आप इन्हें ये जो बीज हैं वो निकाल दें, सिर्फ हमने इनकी जो स्किन है उसको यूज़ करना। तो सारी मिर्चों के इस तरह जो है बीज अलग कर देंगे। अब जो है इनको बारीक चॉप कर लें, या फिर इसी तरह आप फूड प्रोसेसर के अंदर डाल सकते हैं। अब जो है ये बाकी के जो चने हैं इनको हम शामिल कर देंगे इसके अंदर, और उसके साथ जो है ये जो सब्ज़ मिर्चें हमने चॉप की हैं ये चली जाएंगी। और ये देखें, बहुत सारे ये जो धनिया है मेरे पास तकरीबन एक बंच के करीब है, तो ये जो है इसके अंदर आपने डाल देना। तो ये इसको एक बड़ा ज़बरदस्त ग्रीन सा जो टेक्सचर होता है वो मिलेगा फलाफल को। तो ये जो है इसको अब ब्लेंड कर लेते हैं। ये इस तरह हो जाएगी जिस तरह सैंड होती है, मतलब उस तरह का एक टेक्सचर आएगा। तो उस वक्त जो है हमने इसको बंद करके बाहर निकाल लेना। जो हमें प्यारा सा ग्रीन सा कलर चाहिए था वो हमें इधर मिल गया है।
अब जो है इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस डाल के इसको हमने मिक्स करना है। अब जो है इसको अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट कर दिया है हमने, दोनों को मिक्स कर दिया। अब एक प्रॉपर जो फ्लॉफिल का कलर होता है वो हमें मिल गया, ना बहुत ज़्यादा डार्क है ना बहुत ज़्यादा लाइट है। टेक्सचर अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ऐसे आपको हाथ के अंदर फील होगा कि बारीक बारीक इसके अंदर जो है वो दाना है। अगर आप बिल्कुल करीब से भी देखें तो आपको शायद इधर अंदाज़ा हो कि किस तरह का जो है इसका टेक्सचर है। अब जो है इसकी हम अगर बॉल्स बनाते हैं तो हमारे ये चिपकेंगी नहीं, आपस में टूटेंगी, उसके लिए हमें इसके अंदर कोई ना कोई जो है एक स्टिकिंग एजेंट डालना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर ना मैदा डाल रहा हूँ ना कॉर्न स्टार्च, मैं इसके अंदर डालूँगा बेसन। ये जो चनों का पाउडर होता है समझ लें वही है ये बेसन। तो इसको जो है एक दो और तीन ऑलमोस्ट ढाई से तीन टेबलस्पून जो है वो आधा किलो के अंदर काफ़ी है। तो बाद में अगर आपको लगे कि कम है तो आप और भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इतना इसके अंदर अनफ है। तो मसालों के अंदर सबसे पहली चीज़ नमक जाएगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैं जो है इसके अंदर एक टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगा क्योंकि आधा किलो चने हैं तो उसके हिसाब से ये इतना नमक इसके अंदर काफ़ी होगा। बाकी मसालों के अंदर इसके अंदर सिर्फ धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर जाता होता है जो कि लेबनानी कुज़ीन के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ धनिया और ये इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ज़ीरा। तो ज़ीरा जो है वो डेढ़ टीस्पून और जो धनिया है वो एक टीस्पून। अब इसके अंदर अगर आप स्पाइसेस ऐड करना चाहें तो आप बग़ैर रंग वाली लाल मिर्च जो है वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। वो मैं थोड़ी सी इसके अंदर डालूंगा, जैसे हाफ टी स्पून, क्योंकि ये इसके कलर को ख़राब करेगी, वो हम नहीं चाहते। तो हाफ टी स्पून रेड चिली और बाकी अगर आप डालना चाहें तो ब्लैक पेपर इसके अंदर आप थोड़ी सी डाल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मैं ब्लैक पेपर, जो ये सारा स्पाइस है इसका वो पूरा हो जाएगा। ग्रीन चिलीज हमने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डाली हैं। अब जो है इसको मिक्स करेंगे ये सारे मसालों को इसके अंदर, ताकि हर चीज़ जो है इवनली मिक्स हो जाए। अब जो मिक्सचर है वो हमारा तैयार है। इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च कुछ भी चेक कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऐड कर लें, क्योंकि वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम नमक मिर्च आप खाएँ। तो अब क्या करना है कि इस तरह हाथ में लेके आपने बॉल्स बना लेनी है इसकी। ये देखें, इस तरह की बॉल्स बना के हम रखते जाएंगे, फिर इनको इकट्ठा एक दफ़ा फ्राई कर लेंगे। तो मैंने बॉल्स बना ली हैं काफ़ी सारी, इनको फ्राई कर लेते हैं। बाकी का जो मिक्सचर है उसकी बॉल्स मैं अलग से बना लूँगा। आप इसको फ्राई करने के बाद फ्रीज़ करके रख सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए। हाफ फ्राई कर लें, उसके बाद फ्रीज़ कर लें, और जब आपका दिल करे आप इसको बना सकते हैं। तो रमज़ान के लिए एक परफेक्ट मैच है ये, इफ्तारी के लिए बहुत बेहतरीन टेस्ट है। तो ऑयल का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ इनको बाहर से तो कलर जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, अंदर से ये थोड़ी सी कच्ची रह जाएंगी। तो इनको जो है ये सारी मैंने अंदर डाल दी हैं, थोड़ा सा इधर कुक होने देंगे, उसके बाद इनको हिला के हम जो बाकी इनकी ऊपर वाली साइड्स हैं और या बाकी जो साइड्स हैं उसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलर मिल गया है। ये फलाफल जो हैं हमारे बड़ा ज़बरदस्त, बाहर से बहुत क्रंची होंगे, ये अंदर से ये सॉफ्ट होने चाहिए और कलर भी इनका वैसा होना चाहिए, ग्रीन सा। तो इसको जो है बस एक मिनट कुक करने के बाद बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हमने इनको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो माशाल्लाह फलाफल हमारे तैयार हैं, बड़े ज़बरदस्त। बाहर से कलर देखें इनका बहुत प्यारा, और कितने ये क्रिस्पी हैं, ये देखें बिल्कुल हार्ड हैं। तो कट करके इनको मैं अब दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, तो ये जो है अंदर से सॉफ्ट और बाहर से जो है वो क्रिस्पी होना चाहिए, बिल्कुल अंदर से ज़बरदस्त कुक हुआ हुआ है और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। इसको आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो इसको जो है ड्राई टेस्ट करते हैं, क्योंकि मेन डिश है जो इसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। बाकी सॉसेस तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तहीनी सॉस है, आसान तरीका, बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा उसके साथ, बहुत ज़बरदस्त जाते हैं ये। तो इफ्तार में इसको ज़रूर ऐड कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त माशाल्लाह, जिस तरह का टेस्ट होना चाहिए इनका माशाल्लाह वही है। बाहर से क्रंची एक शेल है, अंदर बहुत सॉफ्ट सा एक जो टेक्सचर होना चाहिए वो है। तो ये फलाफल की रेसिपी थी, आम ज़ुबान में आप चने के कोफ्ते कह सकते हैं। बहुत सारी डिशेस जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों में खाई जाती हैं, लेकिन ये रवाज नहीं है हमारे यहाँ कि हम अपनी जो रवायती डिशेज़ हैं उनसे हट के कुछ ट्राई करें। तो मैंने कोशिश की थी कि आप इसको चने के कोफ्ते कहकर ट्राई कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा टेस्ट मिलेगा। तो ज़रूर आपसे नेक्स्ट और रेसिपीज़ में मुलाकात होती रहेगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।